सरकार की बेरोजगार विरोधी नीतियों से परेशान होकर आज मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ, क्योंकि आज से 15 दिन पहले सरकार को चेतावनी दे दी थी कि बेरोजगारों की मांगों को मान ली, या तो 15 दिन मान लिए, नहीं माने तो मैं 7 मई को आमरण अनशन में बैठूंगा, और आज आमरण अनशन में बैठ गया हूँ। प्रमुख मांग ये है कि जो राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के बेरोजगारों को 50% आरक्षण कोटे में मौका दिया जा रहा है, और वहीं 40 साल उनका आयु सीमा कर रखे, जबकि राजस्थान का बेरोजगार जब बाहर जाता है तो उसको केवल या तो 0% मौका दिया जाता है, या 5% या 10%, और आयु सीमा भी 25 वर्ष कर रखी है। ऐसे में राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुतारघात हो रहा है, इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से यहाँ भी 5 या 10% बाहरी राज्यों का कोटा किया जाए और 25 साल उनकी आयु सीमा की जाए। इसके अलावा जो रीट में वेटेज जो 30% बीए के जोड़ रहे हैं वो 10% किए जाए, क्योंकि फर्जी डिग्रियों से लोग आज शिक्षक भर्ती में उनका चयन हो रहा है, इसलिए सरकार 10% ही बीए का वेटेज करे। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती जो 5 साल से लंबित है, उस भर्ती को सरकार जल्द से पूरी करे, उसकी द्वितीय सूची जारी करे और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। इसके अलावा रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल सेकंड छात्रवृत्ति में उसका निस्तारण करे, और जो फर्स्ट लेवल उनकी कटौती जारी करे, यानी शिक्षक भर्ती 2018 54,000 पदों में सरकार निकाली थी, आज वो भंवर जाल में फंस गई है। सरकार बेरोजगारों हित में फैसला करते उसकी जल्दी जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए और उनको न्याय प्रदान करे। और आज इस आमरण से मैं बैठा हूँ क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है कि अपनी मांगों के लिए कोई भी बैठ सकता है। मैंने सरकार से अनुमति मांगी थी शहीद स्मारक पे, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया कि आपको अनुमति नहीं दी जाती, कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, मैं स्वयं अकेला बैठ रहा हूँ, मेरे साथ कोई पब्लिक नहीं है, कौन सी कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन अनुमति नहीं देने के कारण मैं आज यहाँ ज्योति नगर की पॉइंट पर बैठा हूँ। अनुच्छेद 19(1)(6) में स्पष्ट दे रखा है, अपने हकों के लिए कोई व्यक्ति धरने प्रदर्शन से शांतिपूर्वक बैठ सकता है, और उसी अनुच्छेद के अनुसार मैं यहाँ शांतिपूर्वक बैठा हूँ। मुझे पता है कि पुलिस प्रशासन मेरे साथ जबरदस्ती कर सकती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यदि पुलिस प्रशासन मुझे जेल में भी डालती है, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, मेरा अनशन जेल में भी जारी रहेगा, और मैं जमानत नहीं लूंगा, चाहे वो मुझे सेंट्रल जेल ले जाए, कहीं भी ले जाए, बेरोजगारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा, चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उपेन यादव, राष्ट्रीय महासंघ।